दोस्तों, वेलकम यू, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स ऑन आवर गार्डनिंग चैनल अयोध्या गार्डनिंग। दोस्तों, हमेशा हमने इस बात को जाना है एक सामान्य गार्डनर के तौर पर कि पौधों को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है। ठीक है, ये उनका नैसर्गिक गुण है बाय नेचर। ठीक है, ऐसे में ये हमारी जरूरी जिम्मेदारी बन जाती है कि जब हम पौधों को एक पार्टिकुलर पॉट में लगाते हैं तो उसका सॉइल उनका वर्ल्ड हो जाता है। उनको क्या कमी है, क्या ज्यादा है, ये हम ही को देखना होता है। हम नेचर पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नेचर से कट चुके हैं, जमीन में वो मिट्टी नहीं है। ठीक है, वो एक पार्टिकुलर पार्ट में आ जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आपको चार तरीके ऐसे बताता हूं जो सिंपल तो है ही है, बेहद सिंपल है, आपके पौधे के प्लांट का एसिडिक लेवल मेंटेन रखेंगे, सब्जेक्ट टू यू फॉलो द नॉर्म्स। ठीक है, तो दोस्तों पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास खुली जमीन, मतलब खुले में पौधे हैं, तो अगर वो इस रेनी वाटर के बीच में है तो इससे अच्छा कोई सोर्स हो ही नहीं सकता। कि वो सबसे अच्छा नेचुरल सोर्स है वाटर पौधे का एसिडिक होने का, क्योंकि जो रेन वाटर वर्सेस जो जनरल वाटर होता है यही फर्क होता है कि वो एसिडिक होते हैं। इसीलिए आप बरसात में देखते होंगे चारों तरफ पौधे खूब खिल जाते हैं, पत्तियां भी खूब एब्जॉर्ब करती हैं उसको। ठीक है, इसी वजह से तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा बारिश का मौसम है तो पर्टिकुलर उस सीजन में तो उनको वही मिले। ठीक है, वही काफी है। हाँ, अगर 10-15 दिन लगातार ऐसा हो रहा है तो उनको हटाना भी पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो सकते हैं। ठीक है, उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि नींबू हमारे घरों में आता है दोस्तों, नींबू को हम अनयूज्ड नींबू को, नया नींबू लाया अनयूज्ड है जिसको हम कह रहे हैं, उसके दो टुकड़े किए, एक टुकड़े में दो टुकड़े किए, उसको हमने डाल दिया। अगर यूज्ड है तो एक पूरा नींबू का चारों टुकड़ा जो यूज किया वो डाल दिया 1 लीटर पानी में। ठीक है, ये बेस्ट एसिडिक सॉइल तैयार हो जाता है। आप 24 घंटे के लिए इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो इसका जो अर्क है नींबू का वो पानी में आ जाएगा, और एक 1.5 गिलास पानी आप पौधों में डाल दीजिए। ठीक है, अगर बड़ा गमला है तो थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ेगा, छोटा गमला तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, लेकिन एक गमला तो मीडियम साइज का, एक गिलास मीडियम साइज के लिए पर्याप्त होगा दोस्तों। ठीक है, कोई इसमें मेहनत का काम नहीं, कोई वो नहीं। ठीक है, ये है मेरी चाय की पत्ती, इसमें भी यूज्ड और अनयूज्ड। अगर यूज्ड ले रहे हैं तो हम 4 चम्मच ले सकते हैं 1 लीटर के लिए, ये हमारा 0.5 लीटर का पॉट है। तो मैंने यूज्ड की हुई जो कि धुल के सुखा के रखी गई अदरक वगैरह हटा करके, ये इसमें 2 चम्मच। अगर नई चाय की पत्ती है तो 1 चम्मच। ठीक है, 1 चम्मच में हम 0.5 लीटर तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है तो 1 चम्मच में अगर 0.5 लीटर बनाए तो उसमें 0.5 लीटर पानी और मिलाए, फिर अपने पौधों को सर्व कर दें। ये दूसरा तीसरा तरीका हो गया दोस्तों। चौथा तरीका, 1 लीटर पानी की बोतल लिया, उसमें 1 चम्मच केवल विनेगर मिलाया, केवल 1 चम्मच विनेगर मिलाया, वो तुरंत का तुरंत रेडीमेड हो गया। इसमें हमको कुछ घंटे वेट करने पड़ते हैं, 1 दिन वेट करना पड़ता है, वो तुरंत है। अगर आपको बाहर जाना है, समय नहीं है, आप सोच रहे हैं कि अगर चले जाएंगे तो 1 हफ्ता 10 दिन लेट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आप विनेगर रखिए, विनेगर को आप तुरंत सर्व कर सकते हैं। तो ये जो तरीका, ये जो सोर्स हुआ एसिडिक सॉइल बनाने का, ये अब महत्वपूर्ण बात क्या होती है दोस्तों, तरीका कि हम दें कैसे, फ्रीक्वेंसी क्या हो, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है। महीने में एक बार ही दें दोस्तों, ये काफी है। बहुत बड़ा अगर प्लांट हो, कोई बहुत ज्यादा फ्लावरिंग है, उसको महीने में 2 बार दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, मिट्टी नम होनी चाहिए, जब भी हम सर्व करें मिट्टी नम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मिट्टी नम होगी तो उनका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तीसरी चीज कि पौधे हमेशा, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पौधे जब भी हम उसमें डाल रहे हैं क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया 1 गिलास एक मीडियम साइज के गमले के लिए ठीक है, अगर उससे ज्यादा हमारा गमला बड़ा है 1.5 गिलास 2 गिलास उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है जानकारी ये जो मैंने आपसे शेयर की, ये एसिडिक सॉइल के इम्पोर्टेंस को भी बताएगी, सोर्सेज को बताएगी कैसे हम करें, प्लस तरीका भी बताएगी आपको कि कैसे हम दें सावधानियों के सहित दोस्तों। तो आप अपने पौधों को इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों, और इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिखेंगे ही, हम आंसर करेंगे ही। थैंक यू।